गुरुवार को बीते कुछ दिनों से यवतमाल में उपचार ले रहे दिग्रस तहसील के दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस संदर्भ में कोविड केयर के सूत्रों ने बताया कि वैसे तो बुधवार देर रात उन्हें यह खबर मिल चुकी थी। इस जानकारी को अधिकृत तौर पर गुरुवार को साझा किया गया। बहरहाल कोरोना पॉजिटिव मृत पुरुष करसा गांव से है, वही कोरोना पॉजिटिव मृतक महिला दिग्रस शहर निवासी है। ऐसे में तहसील में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 19 पर जा पहुंची है। इसी के साथ कोविड सूत्रों के अनुसार 22 सितंबर को यवतमाल भेजे गए सैंपलों में से गुरुवार को RT-PCR के तहत 11 रिपोर्ट्स कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या कोविड सूत्रों के मुताबिक 95 हो गई है। पर आज ही के दिन लगभग 18 लोग पॉजिटिव से निगेटिव में तब्दील हुए, जिसमें अधिकतम होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग शामिल है। इस तरह फिलहाल तहसील के कुल एक्टिव पॉजिटिव कोरोना मरीजों की संख्या 77 हो चुकी है। गौरतलब है कि तहसील में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती शक्ल एक तरफ अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वहीं तहसील में कोरोना से हो रही मौतें भी चिंता बढ़ा रही है। दिग्रस शहर और तहसील के लिए आजकल लगभग हर दूसरे दिन कभी हादसे में, दुर्घटना में या आत्महत्या की घटना में आखिरकार कोरोना से किसी न किसी की जान जाने की खबरें लगातार सामने आ रही है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे में कोरोना को परास्त करने के लिए बतौर नागरिक हमें ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहना है, ताकि कोरोना संक्रमण शहर और तहसील के हद से बाहर हो सके। इंडिया न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।